लेट अस स्टार्ट आर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। सबको वॉइस क्लियर है ना? पूनम अटेंडेंस मार्क करे बेटा। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स वी विल डू टुडे एंड कल भी हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। फर्स्ट है वर्क डन By a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. आपको बताना है कि ये जो वर्क डन है बाय ए फोर्स, आपको बताना है कि जो क्वांटिटी है, जो वर्क डन आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो बताइए, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट, वो बकेट को एक वेल में से पानी निकालने के लिए यहाँ पे बकेट डाली है उसने, बकेट को एक रोप से टाई किया है। अब बकेट के ऊपर वो फोर्स कितना लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, जितना उस बकेट का वेट है, मतलब mg के इक्वल फोर्स लगाएगा। और बकेट का मूवमेंट भी कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आंसर दें जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मेरे को नहीं करने हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं। जब फोर्स इस बकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज आप बकेट को ऊपर की तरफ अपनी तरफ पुल कर रहे हो, और बकेट भी देखो फोर्स लगाने से वेल से बाहर आ रही है आपकी तरफ, तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, जल्दी बताएं। वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस बेटा, एकता ने बताया है पॉजिटिव है, यस एक पॉजिटिव ही आएगा। अदर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज नहीं होगा। वर्क आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इट वुड बिकम एफ एस कोस थीटा। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एस। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो आपका कैसा आया बेटा, पॉजिटिव। ऐसे ही सेकेंड है, इसमें आपके पास वर्क डन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस बकेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस केस में वर्क डन बताइए कैसा होगा। जो यही केस है कि आपने बकेट को पुल करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये बकेट का मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बकेट पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो आपको बताना है, वो कैसा होगा, जल्दी बताइए। यस क्विक, नेगेटिव होगा आंसर आ रहा है, श्वेता ने बताया है, श्वेता कार्तिक ने, कि नेगेटिव होगा। बाकी स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा, कैसा होगा देखिए, जो बाद में आए हैं नेहा अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। फोर्स जो है इस बकेट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखिए ग्रेविटेशन का फोर्स है, मतलब अर्थ इसके ऊपर अपना ग्रेविटी का पुल लगा रही है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, और जो बकेट का मूवमेंट है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखिए थीटा यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, और कोस 180 जब इसको ओपन करेंगे, एफ एस कोस 180 डिग्री होगा, तो कोस 180 इज -1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -FS, मतलब वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, बिल्कुल मैंने ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल उठाया है, जिसने शुरू से अगर क्लास नहीं अटेंड की है तो वो समझ सकता है कि कैसे नेगेटिव आ रहा है, कैसे पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का पार्ट है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का भी एक फोर्स होता है ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन ऑन एन
इंक्लाइंड प्लेन, इस पे बताइए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसको कुछ थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर, इसके ऊपर एक बॉडी है, वो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन। ये बॉडी है जिसका कुछ मास है, दिस इज स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो बेटा हमेशा याद रखिए, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है किसका, बॉडी के मोशन को, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आ रही है, तो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो मतलब अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर आपकी बॉडी का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और बॉडी का मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगेन 180 डिग्री। तो वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस एफ एस। तो आई होप ये सब कर लोगे इस तरीके से, कि अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इस क्वेश्चन इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखिए सब लोग करेंगे। क्वेश्चन इज, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी, जीरो। ये सारी चीजें याद रखिए माइंड में। इफ इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन, 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन है, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ओके। और क्या बता रखा है, द पावर डिलीवर्ड टू इट, द पावर डिलीवर्ड टू इट इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताना है जो पावर डिलीवर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट टी की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, या थर्ड टी की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन समझ आया, एक बॉडी है वो इनिशियली किसके ऊपर, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में जा रही है, मतलब उसका मोशन क्या है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, एक डायमेंशन, चाहे वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग हो, सिंगल डायमेंशन में उसका मोशन है, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है, और पावर बतानी है कि इनमें से टी के कौन से पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सीधा सा देखिए, पावर का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, आपको क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एक आदि, और आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन है। तो फोर्स का वो फॉर्मूला जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो वो कौन सा है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टू, और देखिए ऑब्जेक्ट आपका इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा ए टी, मतलब आपके पास जो वेलोसिटी आ गई, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v इज इक्वल टू ए टी, ये सबको क्लियर है। अब देखिए आपको पता है, आपने वेलोसिटी निकाल ली, आपके पास फोर्स है, आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, तो पावर आपके पास क्या आएगी, पावर आएगी आपके पास f इंटू वेलोसिटी, f क्या है, एम ए है, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास बेटा कितनी है, ए टी, उसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट एम ए स्क्वायर और टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है किसके, टी के, तो इसका मतलब यहाँ जो आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2, टी की पावर 3/2 और टी स्क्वायर, इनमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पे जो पावर डिलीवर हुई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। बेटा एक बार जो अभी आए हैं अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए, कोई तो आया है शायद, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन ना क्लियर हो, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। एक बॉडी है, थोड़ा सा मैं जो मेन होगा वही लिख रही हूँ। एक बॉडी है कंसंट्रेट टू मूव अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस क्या कर रही है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे एक्स वाई और जेड, इसमें उसको जेड डायरेक्शन में क्या कराया है, अलोंग जेड एक्सिस क्या कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है। ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स उस पे लग रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स, और फोर्स आपको गिवन है कितना है, फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड ये आपको गिवन है माइनस आई, ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 2J प्लस 3K न्यूटन, ठीक है, फोर्स इतना लग रहा है और उसका मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, इन मूविंग द बॉडी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अगर वो 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस मूव करती है और उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो आपको बताना है कि इस फोर्स ने इस बॉडी के ऊपर जो वर्क डन किया है वो कितना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखोगे, 4 मीटर, और अलोंग कौन से एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 4, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होता है, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग होता है आई, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जेड, और जेड एक्सिस के अलोंग होता है के, ठीक है, आई जे और के। तो ये जो बॉडी का मूवमेंट है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, 4, और ये लिखेंगे हम के, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग है, दूसरे आपके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग तो उसका मोशन है नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0i प्लस 0j प्लस 4k, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ये है, फोर्स आपके पास ये है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है। अब फोर्स आपको क्या गिवन है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, यही गिवन है, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, डॉट डिस्प्लेसमेंट आपको मैं सीधा ही लिख दूं क्योंकि ये तो जीरो है आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट सीधा ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये डॉट है बेटा, डॉट 4k। तो कैसे करोगे, आंसर बताइए जल्दी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब ये कराया था इससे रिलेटेड, तो बीच में जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मैंने कराया था, वर्क डन समझा रही थी, तब इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई बताएगा मुझे आंसर, देखिए मैं ही बता देती हूँ, वर्क डन जो होगा यहाँ पे वो वर्क डन क्या होगा, देखिए आई यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 है, लेकिन यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, 0 था, तो ये 0 ही रहेगा। जे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 0, मतलब कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, 3 और 4 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 12, और के बेटा यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो ये आपके पास आएगा, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी 1, 1 और 1, 1 और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब दोनों ही किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा कितना होगा, 0, तो 1 into cos 0 मतलब 1। तो जब भी आई दो वेक्टर यूनिट वेक्टर्स है, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 1 आएगा, जे जे का करोगे तो भी 1 आएगा, और के का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी कितना आएगा, 1, लेकिन आई और जे का करोगे तो आपके पास 0 आएगा, जे के का करोगे तो भी आपके पास 0 आएगा, और के आई का करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, 0, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें जो आपके पास जो वर्क डन आया वो कितना आया, 12 जूल्स आया। ये आप सबको क्लियर है कैसे किया हमने, यस सुमित, श्वेता, कार्तिक, नेहा, सुमित, क्लियर है ये कैसे किया हमने,
नहीं क्लियर है तो मैं अगेन बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकित, क्लियर है। हमने क्या किया, फोर्स हमें गिवन था, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर थी अलोंग जेड एक्सिस, तो उसको हमें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए कि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के अलोंग अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वैक्टर होता है वो होता है के। अगर अब यूनिट वैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये क्वांटिटी क्या बन गई है, एक वैक्टर बन गई है, क्योंकि फोर्स भी हमें वैक्टर फॉर्म में ही गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, फिर से बताना है, ठीक है फिर से बता देती हूँ, देखिए पूरा ही फिर से बता देती हूँ। जो बाकी लोग हैं तब तक एक, चलो मैं इसे वो पहले कंप्लीट करा देती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के लिए स्पेस नहीं होगा। बेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो जेड एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस के लोग उसने कितना मूव किया है, 4 मीटर, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दिस मच फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है सिर्फ किसके लोग, जेड एक्सिस के लोग, तो एक्स और वाई के लोग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनके बीच में डॉट है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको ओपन करोगे तो फोर्स भी आपको किसमें चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी किसमें चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो फोर्स तो हमारे पास है, ये गिवन हमें माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, आई जे और के, ये हम लिख देंगे के। अब सीधा ही अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप क्या करो, यहाँ पे आई यहाँ पे है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, टू का जे यहाँ पे जे है नहीं तो वो भी जीरो हो जाएगा, आपको सिर्फ अगर आंसर मिलेगा तो किससे मिलेगा, यहाँ पे के है और यहाँ पे भी के है, तो सिर्फ ये दोनों टर्म्स आपको क्या देंगी, आंसर देंगी। तो 3 × 4 12, और के दो यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर आप किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो के और के का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, के और के दो यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 1, और ये दोनों किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा कितना हो जाएगा, दोनों ही जेड के अलोंग है तो थीटा 0 होगा, तो ये आपके पास 1 आएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपके पास आंसर इज 12 जूल्स। क्लियर है संगीता, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सब लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 12th में कई बार पूछा जाता है, 11th में पूछा जाए ना पूछा जाए लेकिन 12th में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन इज, सब लोग साथ साथ लिख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, आर, मैंने पहले ही बोला है ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं और इंपॉर्टेंट है, डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड सेकेंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दो आपके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ये है, आपको बताना है विच इज फास्टर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कौन सा फास्टर है, एक तो आपको ये बताना है कि दोनों में से फास्टर कौन सा है, दूसरा आपको क्या करना है, आप निकालना शुरू कीजिए, पहले तो यही निकालिए दोनों में से फास्टर कौन सा है, दूसरा आपको निकालना है ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, पहले तो आप ये निकाल लेंगे कि दोनों में से फास्टर कौन सा है, फिर दोनों की स्पीड्स का रेशियो भी निकालेंगे। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, याद कर लीजिए आपको हमेशा नहीं मिलेगा, एंड मास ऑफ प्रोटॉन है इट इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है,
और आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने आपको समझाया भी था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपके पास जूल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. ठीक है, क्वेश्चन निकाले जल्दी से. आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को दोनों की गिवन है. काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है क्या होता है, 1/2 mv², तो v होता है. ठीक है, तो कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी एक की आपको गिवन है कितनी, 10 kilo electron volt. तो देखो ऐसे कीजिए, हम मान लेते हैं e1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की. तो हम यहाँ पे e1 मान लेते हैं, एंड ये कितनी है, 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकती हूँ. और ये आपको गिवन है कितनी, गिवन है 10 kilo electron volt. अब देखो 10 किलो को मैं लिख सकती हूँ 1000, और आपके पास अब क्या बन गया, ये 10 kilo electron volt. अब किलो को मैंने चेंज कर दिया 1000 में, तो बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 × ये 10³ है, ये 10⁻¹⁹ है, तो कितना हो जाएगा, 10 × 1.6 × 10⁻³⁻⁹ − 19 + 3 − 16 जूल्स. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये कैसे आ गया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने चेंज कर दिया सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी मैंने चेंज कर दिया किसमें, जूल्स में, क्योंकि एनर्जी है वो जूल्स में है. तो यहाँ से आपके पास ये तो आपको एनर्जी गिवन थी, और इस एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका स्क्वायर. ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया. सेकेंड रिलेशन आपको क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, तो उसको हम मार्क कर लेते हैं e2, और वो कितनी होगी, 1/2 mass of proton और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और ये आपको गिवन है कितनी है, 100 kilo electron volt. तो इसको कैसे लिखोगे, सीधा लिख दूं मैं, 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹. ये क्लियर है. अब देखो हमें करना क्या है, हमें तो चाहिए VE और VP दोनों चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है, और ये आपके पास मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है. तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड. तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 mev² डिवाइडेड बाय 1/2 m सॉरी प्रोटोन और v प्रोटोन का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, me. देखिए ये वाला तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 1.6 × 10⁻¹⁶, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 100, यही वाली टर्म, 100 × 1.6 × 10⁻¹⁶. किसी को ना समझ आया हो तो प्लीज यहीं से बता दीजिए, बीच में पूछ ले, तो पूरा रिपीट करने से अच्छा है यहीं से रिपीट कर दूंगी. देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 आपके पास कैंसिल है, आपके पास ये पूरा कैंसिल हो गया है, 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, me/mp. And this is VE² / VP² and this is equal to 1/10. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, अदरवाइज आगे चलें. किसी को कोई डाउट यहाँ तक, आगे चलूं? ओके. ये देखिए आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, दो वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए. तो दो वेलोसिटीज का अगर रेशियो चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लीजिए. ये देखिए VE और VP अगर आप करते हो तो देखिए ये जो MP है वो इधर चला जाएगा 1 के साथ, और जो ME है वो 10 के साथ आ जाएगा. तो बनेगा कैसे, देखिए 1/10 तो पहले ही था, पहले इसको स्क्वायर ही रहने दीजिए, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. ये जो ME है
ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एमपी है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें सिर्फ वीई और वीपी चाहिए, ना कि स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वीई और वीपी, ठीक है, हमने रूट ले लिया इधर, तो इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया एमपी और 10 ME। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन आपको क्वेश्चन में गिवन था, दिस वाज 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक है, और ये आपके पास था 10 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आप सोल्व करके आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा आपके, वेलोसिटीज का रेशियो। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चंस लेंथी ही आएंगे, आप लेंथी की प्रैक्टिस करिए, इजी वाले अपने आप हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस निशांत, आपने लेट ज्वाइन किया था, कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन कॉस्मिक रे में डिटेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्स वेलोसिटी, तो वहां से यूज करते हुए हमने दोनों की वेलोसिटीज का क्या निकाल लिया है, रेशियो निकाल लिया है। बस यही तो हमें निकालना था कि ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। क्लियर है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ए मॉलिक्यूल, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के फेयर नोटबुक में होने चाहिए, जो आप लोग मुझे नोटबुक सेंड कर रहे हो ना उसमें इसका रिकॉर्ड रखिए। ए मॉलिक्यूल इन गैस, इन ए गैस कंटेनर, ये देखिए जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। कंटेनर हिट्स द वॉल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, विद स्पीड कितनी है, 200 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है, गैस का एक मॉलिक्यूल है, गैस के कंटेनर की वॉल को हिट करता है विद दिस मच ऑफ स्पीड, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल। मतलब याद आया जैसे हम लोग वहां पे रूल्स करते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद एन विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, एंड rebounds with the same speed, तो आपको ये समझना है कि कौन से टाइप का कोलिजन है, एंड rebounds with the same speed के साथ टकरा के वापस चला गया है, is momentum conserved? तो बताइए क्या momentum conserved रहेगा या नहीं रहेगा, आप बता सकते हो ये तो, क्योंकि दोनों ही टाइप के कोलिजन में हमने देखा था momentum conserved था। Is momentum conserved in this collision? Yes, Sukhdarshan. Collision के अंदर momentum conserved होगा या नहीं होगा? Yes, Nishant, Aman, Sangeeta, Akash. Momentum हमेशा क्या रहेगा? Conserved रहेगा, ठीक है? Is the collision elastic or inelastic? ये main है, आपको बताना है कि ये जो collision है वो elastic है या inelastic है? Collision elastic और इनइलास्टिक, ये स्टेटमेंट सब नोट डाउन कर लें, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है दोबारा से देखिए, गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो देखिए, सपोज ये कंटेनर की वॉल है, ठीक है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो ये आया और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री पे आके इस वॉल को क्या किया, हिट किया, ठीक है, और सेम एंगल से क्या चला गया, वो रिबाउंड कर गया विद द सेम स्पीड, ठीक है, इसी एंगल पे वो वापस चला गया है, कुछ यही हमें गिवन है, ठीक है। आंसर्स आए हैं कि ये कोलिशन इन इलास्टिक है, नहीं निशांत, फिर से देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से रिबाउंड होके वापस चला गया है, ठीक है, इन इलास्टिक, हाँ अमन, वेरी स्मार्ट आंसर है ना। निशांत, आपके दोस्त ने बोला इन इलास्टिक है, उसको मैम ने गलत बता दिया, तो अमन के पास अब एक ही ऑप्शन है, इलास्टिक लिख देता हूँ। हाँ स्मार्ट आंसर है, हाँ इलास्टिक है बेटा, देखेंगे इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता है इलास्टिक और इन इलास्टिक में मोमेंटम आपका हमेशा क्या रहेगा, दोनों ही कंडीशन में कंजर्व्ड रहेगा, टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन हम किससे पता कर सकते हैं,
हम काइनेटिक एनर्जी से पता कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर बिफोर कोलिजन जितनी है, अगर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि आपका आपका ये जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। ठीक है, हाँ टाइम नोट कर लो मैम। किस चीज का अमन? ओके क्वेश्चन करते हैं। सपोज जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है? एम है। ठीक है, और जो वॉल है, ये देखिए ये वॉल है कंटेनर की वॉल, इसका तो स्मॉल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसका मास एम है और वॉल का मास कैपिटल एम है। ठीक है, अब एक चीज को समझे, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से जब आ रहा है, तो जिस वेलोसिटी से आ रहा है, ये गैस ये जो कंटेनर की वॉल है इसमें तो वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये वॉल तो रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहेगी, तो वॉल की वेलोसिटी तो कितनी है? जीरो, क्योंकि ये इससे टकराएगा तो ये इतना भारी नहीं है कि वॉल को डिस्प्लेस कर पाए, मतलब वॉल को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर पाए और उसके अंदर वेलोसिटी क्रिएट हो। तो हम मान लेते हैं एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द वॉल। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी हम देखेंगे बिफोर कोलिजन कितनी है, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हम बोले, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी, तो वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगी बेटा, हाफ मास किसका? गैस के मॉलिक्यूल का, और वेलोसिटी किसकी? गैस के मॉलिक्यूल की, क्योंकि जो बिफोर कोलिजन जो वॉल है वो तो आपके किस पे है? रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो अगर आप करना चाहो तो मास ये वॉल का ले लिए और इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो, तो ये तो जीरो ही आ जाएगी। तो कोलिजन से जो पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? हाफ मास कितना है एम और वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास कितना हुआ, ये आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 × 10⁴ और m भी है साथ में, तो m और ये आ जाएगी एनर्जी किसमें? जूल्स में। ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन देखो, क्या आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी सेम है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी सेम है? भाई आफ्टर कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी, क्योंकि क्या गिवन है हमें? गिवन ये है कि वो 30 डिग्री पे आया और 30 डिग्री पे ही वो मॉलिक्यूल वापस चला गया और उसी वेलोसिटी से चला गया विद द सेम स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो आफ्टर कोलिजन भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन, तो वो देखिए वॉल की तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि वॉल पहले भी रेस्ट पे थी, कोलिजन के बाद भी रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल इससे आके टकराया, कोलिजन हुआ, तो इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि ये कोलिजन इसका मास इतना ज्यादा नहीं है कि ये इसको थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी स्टिल कितनी है? जीरो। तो अगेन आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन वो भी किसकी वजह से होगी? मॉलिक्यूल की वजह से, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये होगा हाफ एम और वी अगेन 200 × 200। ठीक है, ये अगेन आपके पास कितनी है 2 × 10⁴, एम इज मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड जे इज फॉर जूल्स। निशान समझ आ गया कैसे इलास्टिक कोलिजन है? ये जितनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन उतनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट मींस नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन, और वो कौन सा केस होता है? इलास्टिक का। किसी को कोई डाउट बेटा? अगर डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चले आगे, ओके तो फिर एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, एंड न्यूमेरिकल इज सब लोग नोट डाउन करेंगे, थोड़ी स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, थोड़ी लेंथी होती है। ए पंप है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, साथ साथ नोट कर ले क्वेश्चन, बिल्डिंग कैन पंप अप वॉटर टू फिल ए टैंक, टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 क्यूबिक मीटर इन 15 मिनट्स। ठीक है, पढ़ते जाइए क्वेश्चन। इफ द टैंक
इज 40 मीटर अबाउ 40 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड एंड द एफिशियंसी इज 30%. एफिशियंसी इज 30%. ठीक है. हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप. क्वेश्चन इज कंप्लीट. हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप. अब आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पावर का कंजम्पशन निकालना है. क्वेश्चन क्या है, एक पंप है ग्राउंड फ्लोर पे है, किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है. कैन पंप अप वाटर, ऊपर वाटर को पंप कर रहा है, ऊपर पहुंचा रहा है टू फिल ए टैंक. टैंक को फिल कर रहा है और उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, 30 क्यूबिक मीटर इन 15 मिनट. 15 मिनट में इतने वॉल्यूम के टैंक को वो क्या कर देता है, फिल कर देता है. ठीक है. आंसर सोहित ने निकाल लिया है 4. नहीं सोहित, थोड़ा गड़बड़ है, चेक करो. 30 क्यूबिक मीटर है, 15 मिनट्स में वो फिल कर देता है. अब वो बोल रहा है इफ द टैंक इज 40 मीटर अबाउ द ग्राउंड, अगर टैंक 40 मीटर ऊपर है ग्राउंड के तो एफिशिएंसी कितनी है, 30%. तो आपको बताना है कि कितनी पावर, इलेक्ट्रिक पावर का कंजम्पशन हुआ. इसमें देखिए कितने सारे कंसेप्ट लग गए हैं, है ना. तो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा था वो भी लग गया है, फिजिक्स भी लग गई है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम. संगीता ने आंसर दिया है 2. ये आप 2 क्या निकाल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है. आपने 3, 4 क्या निकाला, कुछ पता नहीं है. क्या निकाला है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम. तो 2, 4 क्या है, आगे पीछे कुछ यूनिट होगी. वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले हम निकालेंगे, 30 क्यूबिक मीटर. ठीक है. टाइम कितना गिवन है, 15 मिनट में इतने वॉल्यूम को क्या कर देता है, फिल कर देता है. तो 15 मिनट है ये. फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस मिनट्स. अब देखते जाइए किसमें चेंज करना है, सेकेंड्स में. तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम 15 6 90 एंड दिस इज 900 सेकेंड्स. मतलब इतने सेकेंड्स में वो क्या कर देता है, फिल कर देता है. अब हाइट कितनी है टैंक की, वो भी हमें गिवन है कि हाइट कितनी है, 40 मीटर है. एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को आप इस लेटर से डिनोट करोगे एन, थोड़ा सा कैपिटल में. वो एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 30%. अब देखो बेटा, वॉल्यूम अगर गिवन है तो डेंसिटी ऑफ वाटर वो हमें गिवन होती है कितनी, 10 to the power 3 केजी पर क्यूबिक मीटर. ये याद रखिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10 to the power 3 केजी पर क्यूबिक मीटर. ठीक है. तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर है, वाटर का कितना मास ऊपर की तरफ पंप किया गया, मास ऑफ वाटर पंप. ठीक है. तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हो. तो वॉल्यूम आपको पता ही है वाटर का कितना गिवन है, 30 क्यूबिक मीटर. ठीक है. और डेंसिटी कितनी है, 10 to the power 3. तो ये मास कितना आ गया है, मास आ गया है आपके पास 3 into 10 to the power 4 kg. ये आपके पास मास आ गया, यही आएगा ना, कुछ गलती तो नहीं की है. अब देखिए बेटा, एक्चुअल पावर इसने कंज्यूम की इतने मास को ऊपर तक कराने के लिए, और आप ये कहें, और आउटपुट जो पावर है वो कितनी होगी, उसको हम डिनोट करेंगे पी नोट से. और वो आपके पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, mgh. क्योंकि वो जो वाटर टैंक है उसका कुछ मास भी है, उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी लग रहा है, और वो कुछ हाइट पे भी रखा हुआ है. ठीक है. और टाइम आपको गिवन है कितना है, 900 सेकेंड्स. तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, m कितना है मास, ये आपने निकाल लिया है, 3 into 10 to the power 4 into g कितना होगा, 9.8 into h कितनी है, 40 मीटर. और इसको 900 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1. इसको मैं रब कर देती हूँ. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, यहीं से रिपीट करा दूंगी. ऐसा क्वेश्चन है नहीं वैसे, ये सिर्फ क्वेश्चन लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा. सिर्फ आपको वॉल्यूम था, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, मास आपने निकाल लिया. अब आप आउटपुट पावर निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा,
आउटपुट पावर आपके पास आ जाएगा कितना, 13070 वॉट है बेटा, किलो वॉट नहीं है, वॉट है इसलिए इतनी ज्यादा आ रही है। अब आपके पास सपोज इफ पी आई, ये तो आउटपुट पावर है, पी आई क्या है, इनपुट पावर, ठीक है, रिक्वायर्ड जो है वो, अगर पी आई इनपुट पावर हो तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना आउटपुट पे इनपुट तो लिया पी आई, आउटपुट में कितना दिया, तो आउटपुट का रेशियो इनपुट के साथ आपको क्या देगा, एफिशिएंसी। तो आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी भी आपको गिवन है, आपको पी आई यहाँ से मिल जाएगा, वो कितना होगा, पी ओ ओवर एफिशिएंसी। तो पी ओ आपको पता है, आउटपुट पावर आप निकाल चुके हो, ये कितनी है, 13070, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है बेटा, एफिशिएंसी आपको 30% गिवन थी, तो एफिशिएंसी 30% मतलब 30/100, तो ये आपके पास 30 और ये ऊपर चला जाएगा 100। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखिए आपके पास कितनी आ रही है, 43567 वॉट। तो देखिए इनपुट तो आप इतनी ज्यादा दे रहे हो, आउटपुट इतनी ही है, ठीक है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो किलोवाट में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इतना रख सकते हो। तो पावर कंजम्पशन कितना हुआ, इतना पावर कंजम्पशन हो रहा है, इनपुट मतलब जो आप दे रहे हो वो कंज्यूम हो रहा है, ये आउटपुट मतलब इस इनपुट का इतना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आउटपुट में, ठीक है, बाकी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। समझ आया हमने क्या किया यहाँ पे, हमें सारी चीजें गिवन थी वो हमने एज इट इज लिखी, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3 होती है, याद रखिए डेंसिटी की यूनिट होती है केजी मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, तो ये मास के लिए केजी और वॉल्यूम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, फिर हमने मास निकाल लिया, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो हमने निकाल लिया, आउटपुट पावर निकाल ली, आउटपुट पावर निकाल के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, सॉरी, और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, पी इनपुट निकाल लोगे, मतलब एनर्जी का कंजम्पशन निकाल लोगे। इसे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चले चले आगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन सिंपल सा है, ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विद वेलोसिटी v आपको गिवन है a x 3/2, ये वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वेयर a की वैल्यू आपको गिवन है, a इज एक्सेलरेशन, a की वैल्यू आपको गिवन है 5 meter 1/2, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, ये आपको वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। What is the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter? देखिए शुरू में क्या है, कहां से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है शायद, और फिर कहां पे है, 2 मीटर्स तक गया है, एक बॉडी है जिसका मास ये है, किसमें ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस, ठीक है, विद वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आपको गिवन है, वेयर ए इज इक्वल टू, ये ए गिवन है, ए की वैल्यू ये है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इस डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देखिए फोर्स लगाया है इनिशियल में, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो आप कैसे निकालोगे कि आप इसमें वर्क डन कितना है, निकालेगा कोई, क्या क्या गिवन है, यस निशांत, ब्रिलियंट माइंड्स हो आप लोग, तो 5 kg है, ओके, वेलोसिटी गिवन है कितनी है, ए एक्स 3/2 ये है, एक्सेलरेशन आपको कितनी गिवन है, एक्सेलरेशन आपको 5 meter 1/2 मतलब रूट है मीटर का, और ये आपको क्या दे रखा है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, कैसे निकाल सकते हो, जब एक्स 0 है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी में देखिए एक्स इन्वॉल्व है, तो व्हेन
एक्स इक्वल टू जीरो, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ए इंटू एक्स जीरो हो गया तो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई, इसको हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब जब वो ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंच गया है, 2 मीटर तक पहुंच गया है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम मान लेते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी। और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v। और ये a, a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a की वैल्यू, a की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो ये हमने लिख दी 5। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने रख दी 2। और 2 की पावर कितनी, देखिए x की पावर यहाँ पे दे रखी है 3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। तो ये हो गई 5 × 2^3/2, ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। एक हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, 50 जूल्स आंसर निकाला है सोहित ने, हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू फोर्स नहीं निशान, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने किया था कि जो वर्क डन है वो इक्वल होगा आपके किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी एक बार मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मास तो सेम है, एक बार इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा हाफ। एम को कॉमन ले सकते हो बिकॉज एम डज नॉट चेंज, तो ये आपके पास आ जाएगा। हाँ बेटा शोहित आपने ठीक निकाला है, हाँ निशान समझ आ गया होगा शायद आपको, वी टू का स्क्वायर, चाहे तो आप इसको वी टू का स्क्वायर लिख लीजिए माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही हो गई थी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, हाफ एम, एम कितना है 0.5, और v2 का स्क्वायर, और v कितना है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आई थी 5 × 2, और उसकी पावर कितनी थी 3/2, और उसका भी स्क्वायर। अगर आधे लोगों को सोल्व ना करना हो तो आता हो कि कैसे सोल्व करें इस पावर को, क्योंकि काफी लोग देख के डर गए होंगे। तो ये सिंपली कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा हाफ 0.5, और देखिए 5 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देखिए 2 के साथ सिर्फ 3/2 है, 5 का तो क्या है स्क्वायर है, तो इसको मैं 25 लिख सकती हूँ, और ये आपके पास आ जाएगा 2^3/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास अब इजिली आंसर कितना आ जाएगा, 50 जूल्स, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन किसके इक्वल आया है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ओके बेटा। आज इतने ही न्यूमेरिकल्स करते हैं, कल भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल